नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको वृद्धावस्था की बीमारियों से बचने का आयुर्वेदिक इलाज बता रहा हूँ। दोस्तों, वृद्धावस्था में शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और प्रोस्टेट, पार्किंसन, हाथ पैर ध्रुजना, कमजोरी, अशक्ति, मस्तिष्क में याद शक्ति कमज़ोर होना, झुर्रियाँ पड़ना जैसी कई सारी बीमारियाँ आती हैं। कभी कभी मस्तिष्क में रक्त पहुँचता नहीं है, जिससे कमजोरी महसूस होती है। इन सारी वृद्धावस्था में आने वाली बीमारियाँ हैं। आज मैं एक आपको असरदार आयुर्वेदिक घरेलू इलाज बता रहा हूँ, जिसको करने से वृद्धावस्था में आने वाली समस्त बीमारियों से आप बच सकते हो। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है 100 ग्राम, इसके साथ साथ आंवला पाउडर लेना है 40 ग्राम, शतावरी पाउडर लेना है आपको 80 ग्राम, गोखरू पाउडर लेना है आपको 320 ग्राम, काउचा पाउडर लेना है आपको 10 ग्राम, गुड़ूची जिसे अमृता या गलो के कहा जाता है, गुड़ूची पाउडर लेना है 60 ग्राम, और 10 ग्राम शंख पुष्पी का पाउडर लेना है। ये सारी चीज़ें पंसारी या आयुर्वेद की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। इन सबको मिक्स करके, अच्छी तरह पाउडर मिक्स करके एक बॉटल में भर कर रखिए। इस पाउडर का नियमित सुबह शाम एक एक चम्मच पानी के साथ लेने से वृद्धावस्था में आने वाली बीमारियां, पार्किंसन, प्रोस्टेट, याददाश्त की कमी, कमजोरी, मस्तिष्क में रक्त न पहुंचना, इन सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। फिर से एक बार नुस्खा बनाने की चीज़ें बता रहा हूँ। अश्वगंधा 100 ग्राम लेना है, शतावरी 80 ग्राम लेना है, आंवला पाउडर 40 ग्राम लेना है, गोखरू पाउडर 320 ग्राम लेना है, गुड़ूची पाउडर 60 ग्राम लेना है, काउचा पाउडर 10 ग्राम लेना है, और शंख पुष्पी पाउडर 10 ग्राम लेना है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके आपको रोज़ सुबह में एक एक चम्मच लेना है। इस नुस्खे को वृद्धावस्था आने से पहले ही नियमित एक एक चम्मच पानी के साथ सुबह शाम लेने से आपको वृद्धावस्था की बीमारियों से निजात मिलता है और आप तरोताज़ा और स्वस्थ रह सकते हो। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही नए नए योग, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद के वीडियो को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल ब्रह्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो।